वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुरू होगी योजना 200 लाडली लक्ष्मी जाएंगी बॉर्डर पर। मध्य प्रदेश में जिन योजनाओं पर विराम लग गया था उनके फिर से शुरू होने का सिलसिला शुरू हो गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को फिर से शुरू करने का ऐलान किया था। अब एक और योजना फिर से शुरू हो रही है जिसका नाम है माँ तुझे प्रणाम योजना। मध्य प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने बताया कि कोविड काल में रोक दी गई माँ तुझे प्रणाम योजना को पुनः शुरू किया जा रहा है। इस वर्ष योजना में पहली बार प्रदेश की लाडली लक्ष्मियां देश की सीमा की यात्रा करेंगी। मंत्री श्रीमती सिंधिया ने बताया कि 2 से 11 मई तक प्रदेश में आयोजित होने वाली लाडली लक्ष्मी उत्सव में 2 मई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 200 लाडली लक्ष्मियों को हरी झंडी दिखाकर वाघा बॉर्डर की यात्रा के लिए रवाना करेंगे। आज 24 अप्रैल से आयोजित होगी परीक्षा, आयोग ने जारी किया नोटिफिकेशन। एमपीपीएससी ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा से पहले उम्मीदवारों के लिए बड़ी सूचना जारी की। दरअसल राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2020 के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया गया है। उम्मीदवारों को परीक्षा की स्थिति से अवगत कराया गया। दरअसल मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2020 परीक्षा के आयोजन की घोषणा कर दी गई। परीक्षा आगामी 24 अप्रैल से आयोजित की जाएगी। ये एग्जाम 29 अप्रैल तक जारी रहेगा। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं नवीन आदेश जारी करते हुए एमपीपीएससी ने उम्मीदवारों को जानकारी दी है कि मुख्य परीक्षा 2020 के आयोजन में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। 50,000 हितग्राहियों को बड़ा तोहफा देंगे सीएम शिवराज। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से शिवराज सरकार हितग्राहियों को बड़ा तोहफा देगी। देश के हर गरीब को अपना मकान मिले, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में आवास का निर्माण किया जा रहा है। इससे पहले 16 अप्रैल को 11,053 हितग्राहियों के खाते में करोड़ों की राशि भेजी गई। वहीं अब सीएम शिवराज एक बार फिर से हितग्राहियों को बड़ा तोहफा देंगे। 27 अप्रैल बुधवार को सीएम शिवराज हितग्राहियों को 500 करोड़ रुपए की राशि अंतरित करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण के तहत समय समय पर राशि जारी की जाती है। अब 2023 तक आदिवासी केंद्रित रहेगी मध्य प्रदेश की राजनीति। मध्य प्रदेश की राजनीति पर अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के प्रभाव का रंग गहराने लगा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को आदिवासी कल्याण के उस वादे को कई बार दोहराया जो नरेंद्र मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने की बात किया था। शाह ने उसी जम्बूरी मैदान से आदिवासियों को समर्पित शिवराज सरकार की तारीफ की जहाँ करीब 5 माह पहले आयोजित जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत करते हुए मोदी ने आदिवासियों के कल्याण की योजनाओं की सौगात दी थी। स्ववित्तीय पाठ्यक्रम प्रारंभ करने कॉलेजेस को नहीं लेनी होगी विभाग से मंजूरी। स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के लिए अब कॉलेजेस को उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं। कॉलेज स्थानीय स्तर पर जनभागीदारी समिति से मंजूरी लेकर पाठ्यक्रम प्रारंभ कर सकते हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में कॉलेजेस को निर्देश दिए। दरअसल स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों के संचालन का व्यय विद्यार्थियों से ही लिया जाता है। ऐसे में विभागीय स्तर पर उसके लिए अलग से किसी तरह का कोई व्यय नहीं होता। ऐसे में विभाग ने ऐसे पाठ्यक्रमों के लिए कॉलेज प्रबंधन को निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र किया है। जीजीएसई के 2 बैच के विद्यार्थी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा में होंगे समायोजित। मान्यता को लेकर उच्च शिक्षा विभाग और गुरु गोविंद सिंह लॉ कॉलेज के बीच विवाद खत्म नहीं हुआ। प्रबंधन की लापरवाही की वजह से कॉलेज के 2 बैच के विद्यार्थियों की परीक्षा अटकी है। अब देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने बीच का रास्ता निकाला। इन छात्र छात्राओं को अलग अलग सेमेस्टर में परीक्षा में समायोजित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया। 2019-20 बैच वाले BA LLB के विद्यार्थियों को थर्ड सेमेस्टर और 2020-21 बैच के छात्रों को फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा में समायोजित किया है। इंदौर में मेट्रो के काम में तेजी, MR 10 पर पहली बार ट्रैफिक करना पड़ा डायवर्ट। शहर में मेट्रो के काम में तेजी आ गई। अगले साल सितंबर में प्रस्तावित ट्रायल रन के लिए तेजी से काम पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। शहर में पहली बार मेट्रो के कारण MR 10 के एक हिस्से में ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया। जानकारी के अनुसार MR 10 के यहाँ पर बन रहे स्टेशन के सामने के 2 पिलर का निर्माण चल रहा है। यहाँ पर अन्य निर्माण के लिए क्रेन की सहायता से काम किया जा रहा है। यहाँ से दिनभर यातायात का भारी दबाव रहता है जिसे देखते हुए MR 10 ब्रिज की तरफ जाने वाले वाहनों को एक हिस्से में सर्विस रोड से होकर जाना होगा। अगले कुछ दिनों तक ऐसी ही व्यवस्था रहेगी ताकि काम तेजी से किया जा सके।
इंदौर के सांवेर में निशुल्क स्वास्थ्य मेला शुरू। सांवेर में शनिवार को स्वास्थ्य मेले की शुरुआत हुई। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित यह स्वास्थ्य मेला स्थानीय बाल विनय मंदिर स्कूल मंडी प्रांगण के पास सांवेर में आयोजित किया गया। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी इस मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में इस तरह के मेले आयोजित किए जा रहे हैं ताकि लोगों को सही समय पर बीमारी का पता चल सके और उन्हें बेहतर उपचार मिले। ऐसे में सांसद शंकर लालवानी, डॉक्टर राजेश सोनकर मौजूद थे। मंत्री सिलावट ने कहा कि कोरोना काल भी सांवेर में सबने मिलकर काम किया था। 2020 के नए एडमिट कार्ड जारी होंगे, सागौन के नंबर सबको मिलेंगे। इंदौर के विद्वानों ने एक बार फिर से मैनेजमेंट और कैंडिडेट्स को परेशानी में डाल दिया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने आदेश दिया कि सागौन वाले सवाल के नंबर 19% और 30% दोनों उम्मीदवारों को दिए जाएं। इसी के साथ 30% वाले उम्मीदवारों का रिजल्ट बदल जाएगा और उनके एडमिट कार्ड जारी होंगे। मध्य प्रदेश के सरकारी दस्तावेजों में सागौन के जंगल 19% और भारत सरकार के दस्तावेजों में 30% दर्ज हैं। कुछ उम्मीदवारों ने अपने उत्तर में 30% बताया। दो सत्र में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाएगी CUET। 6 मई तक विद्यार्थी कर सकेंगे आवेदन। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के विभागों से संचालित स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश को लेकर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 10 विभागों के 23 पाठ्यक्रम के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में रजिस्ट्रेशन की लिंक खुल चुकी है। 6 मई तक छात्र छात्राएं आवेदन कर सकेंगे। स्नातक पाठ्यक्रम की परीक्षा की अस्थायी तारीख जरूर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने घोषित कर दी। एजेंसी ने जुलाई में परीक्षा करवाने पर जोर दिया। देशभर के विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा 7 दिन चलेगी, जो सुबह और दोपहर के सत्र में रखी है। एजेंसी ने सुबह 9 से दोपहर 12:15 और दोपहर 3 से शाम 7:45 बजे वाला सत्र रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले सीएम शिवराज, दोनों के बीच हुई ये महत्वपूर्ण बात। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की और प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन प्राप्त किया। मुलाकात के बाद सीएम शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर्स समिट की तिथि हम बदल रहे हैं। इस बार 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मध्य प्रदेश इंदौर में आयोजित होगा, उसके पहले 7 और 8 को इन्वेस्टर्स समिट होगी। मध्य प्रदेश में स्टार्टअप तेजी से उभर रहे हैं। प्रदेश गेहूं का भंडार है, एमपी वीट पूरी दुनिया में जाना जाता है। हमने एक्सपोर्ट सेल बनाया हुआ है। एकांगी मार्ग में वाहन दौड़ाया तो भरना पड़ेगा जुर्माना। एकांगी मार्ग में शनिवार की शाम को वाहन दौड़ाना महंगा पड़ सकता है। ट्रैफिक पुलिस एकांगी मार्ग के मध्य में पॉइंट लगाकर रॉन्ग साइड फोर व्हीलर व लोडिंग वाहनों के साथ दो पहिया वाहनों को भी पकड़ेगी। सराफा बाजार में नो पार्किंग में वाहन पार्क करने पर भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ सकता है, क्योंकि सहलग के सीजन में शहर के प्रमुख बाजारों में शाम को जाम लग जाता है। जाम के कारण लोगों को काफी परेशानी होती है। ASP अभिनव चौकसे ने बताया कि जाम का एक कारण शहर की संकरी सड़कें तो है ही, ट्रैफिक पुलिस ने दो अन्य कारण भी चिन्हित किए हैं। कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा लाभ, ज्वाइनिंग और रिवाइवल पॉलिसी में विस्तार आदेश जारी। रेलवे ने एक बार फिर से अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी। दरअसल ज्वाइनिंग और रिवाइवल पॉलिसी में विस्तार किया गया, उसकी प्रक्रिया को लेकर भी नवीन नीति तैयार की गई, जिसके लिए रेलवे बोर्ड ने आदेश जारी कर दिया। 19 अप्रैल को जारी किए गए इस आदेश में रेलवे ने स्पष्टीकरण दिया। वहीं ज्वाइनिंग और रिवाइवल पॉलिसी को लेकर कई अहम दिशा निर्देश जारी किए गए, जिससे उम्मीदवार सहित कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलेगा। 58 करोड़ रुपए स्वीकृत, मंत्री ने PM CM के लिए कही बड़ी बात। ग्वालियर शहर के लिए खुशखबरी है, केंद्र सरकार की पहल पर ग्वालियर को एक बड़ी राशि मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए स्वीकृत हुई। इस राशि से ग्वालियर के नगर निगम सीमा में पेयजल, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता और एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट होगा। राशि मंजूर होने पर उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया। भोपाल के इस यूनिवर्सिटी में निकली कई पदों पर भर्ती, आवेदन करने अंतिम तिथि नजदीक। हाल ही में बरकतउल्ला विश्वविद्यालय ने भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिए, जिसके मुताबिक शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। कुल वैकेंसी की संख्या 51 है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 5 मई 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। 51 पदों में से गैर शैक्षणिक के 2 और 49 पद शैक्षणिक के शामिल हैं, जिसमें से 11 लाइब्रेरियन, 13 पद प्राध्यापक, 11 उप प्राध्यापक और 25 सहायक अध्यापक के खाली हैं। बड़ी खबर, इन किसानों को नहीं मिलेंगे 11वीं किश्त के 2,000 रुपए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में पैसे आने वाले हैं। अब तक किसानों के खाते में इस योजना के तहत 10 किश्तें आ चुकी हैं। इस योजना के तहत सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए सीधे उनके खाते में सालाना 6,000 रुपए भेजती है, लेकिन कई बार आवेदन में हुई गलतियों की वजह से किसानों की किश्त रुक जाती है। पीएम किसान योजना के तहत केंद्र सरकार के पास करोड़ों आवेदन आते हैं, लेकिन इसमें कई तरह की गलती भी होती है, जिसकी वजह से किसानों की किश्त रुक जाती है। इसमें बैंक डिटेल से लेकर टाइपिंग तक की गलतियां होती हैं, कई बार नाम गलत हो जाते हैं और कई बार डिटेल आधार कार्ड से मैच नहीं करता।
क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ग्राहकों के लिए जरूरी सूचना, 1 जुलाई से लागू होगा ये नियम। भारत में क्रेडिट कार्ड के बढ़ते उपयोग के साथ रिजर्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड धारकों को धोखाधड़ी और छिपे हुए शुल्क से बचाने और अन्य महत्वपूर्ण बातों के लिए दिशा निर्देशों का नया सेट जारी किया। नए दिशा निर्देशों में केंद्रीय बैंकर के पास बैंकों और क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं हेतु दिशा निर्देशों, नियमों और दंड की एक सूची है। यहां ध्यान देने योग्य बात है कि नए दिशा निर्देशों में डेबिट कार्ड को भी शामिल किया गया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नए बिंदु क्रेडिट कार्ड के लिए हैं। जैसा कि कोविड-19 महामारी के बाद क्रेडिट कार्ड की लोकप्रियता में वृद्धि हुई, दिसंबर 2019 में कुल बकाया क्रेडिट कार्ड 55 मिलियन था, जो अब फरवरी 2022 के अंत तक बढ़कर लगभग 72 मिलियन हो गया, जिसमें लगभग 30% की वृद्धि है। 142 पदों पर निकली है भर्ती, 4 मई लास्ट डेट। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग मध्य प्रदेश शासन के अधीन उद्यमिता विकास केंद्र ने सिविल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के 145 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन कल 23 अप्रैल से शुरू हो गए और 4 मई तक चलेंगे। ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में महू से दिल्ली के लिए चलेगी विशेष साप्ताहिक ट्रेन। महू से नई दिल्ली के लिए सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का संचालन 29 अप्रैल से किया जाएगा। गाड़ी संख्या 09301/09302 के कुल 14 फेरे होंगे। ये स्पेशल ट्रेन ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान गाड़ियों में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए स्पेशल किराए के साथ शुरू की जा रही है। महू से नई दिल्ली तक और फिर नई दिल्ली से महू तक लौटने वाली इन ट्रेन को साप्ताहिक तौर पर चलाया जाएगा। कर्मचारियों को बड़ी सौगात, मिलेगा 11,000 का बोनस, मई में इतनी बढ़कर आएगी सैलरी। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के तोहफे के बाद अब भेल कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिली है। 3 साल बाद भेल प्रबंधन ने कर्मचारियों और अधिकारियों को 11,000 रुपए बोनस देने का ऐलान किया। ये बोनस मई की सैलरी के साथ जोड़कर दिया जाएगा। इस फैसले से भोपाल के 3,500 कर्मचारियों और अधिकारियों को लाभ मिलेगा। बोनस के तौर पर यह टोकन राशि कर्मचारियों को 1 मई को मिलने वाले वेतन के साथ मिल जाएगी। शुक्रवार को प्रबंधन ने संयुक्त कमेटी की बैठक में इसका ऐलान किया। इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के निर्यात पर लगाया बैन, भारत में बढ़ सकती हैं कीमतें। इंडोनेशिया पाम ऑयल का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसके बावजूद वो पाम ऑयल संकट से जूझ रहा है। इस समय इंडोनेशिया भीषण महंगाई के चपेट में है। आलम यह है कि वहां पाम ऑयल की कीमतों की सोने की तरह हो गई हैं। बढ़ती घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने खाना पकाने के तेल और इसके कच्चे माल के शिपमेंट को रोकने की घोषणा की। इसके बाद इंडोनेशिया ने 28 अप्रैल से अगले आदेश तक पाम तेल के निर्यात पर बैन लगा दिया है। जबलपुर में अतिक्रमण मुक्त भूमि पर बनाया ग्रीन जोन, राहगीरों के बैठने के लिए बनेगा शेड। दीनदयाल चौराहे से चंडाल भाटा तक सड़क किनारे की सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाकर नगर निगम ने करीब 20,000 वर्ग फीट जमीन को ग्रीन जोन के रूप में विकसित किया। यहां करीब 1,000 फलदार छायादार पौधे रोपे गए। अब जल्द ही यहां राहगीरों को बैठने के लिए भी शेड बनाया जाएगा, जो राहगीरों को धूप और बारिश से सुरक्षित रखेगा। कलेक्टर डॉ. इलिया राजा टी भी ग्रीन जोन का निरीक्षण किया और नगर निगम के प्रयास की सराहना। निगमायुक्त आशीष भी उनके साथ रहे। उन्होंने बताया कि शेड निर्माण का कार्य जल्द आरंभ किया जाएगा। राज्य शासन ने शुरू की नई व्यवस्था, किसानों को मिलेगा लाभ, ऑनलाइन उपलब्ध होगी सेवा। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल किसानों को अब खाते के खसरा और नक्शा की नकल निकालने के लिए पटवारी के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, घर बैठे उनके सारे काम आसान किए जाएंगे। इसके लिए डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। किसान भू अभिलेख की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन अथवा MP ऑनलाइन पोर्टल और लोक सेवा केंद्र के माध्यम से खेती किसानी से जुड़े खसरा की प्रतिलिपि के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके साथ ही साथ डिजिटल हस्ताक्षर दस्तावेज भी डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं। आई नवीन जानकारी के मुताबिक किसानों की सुविधा के लिए कंप्यूटर सेंटर स्थापित कर दिए गए। वहीं 30 रुपए प्रति पेज के शुल्क पर कोई भी किसान खतरा और नक्शा की नकल प्राप्त कर सकता है। माशिम परीक्षा में शामिल कर्मचारियों का अब नहीं कराएगा सामूहिक बीमा, खुद ही देगा बीमा की राशि। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल शिक्षकों का सामूहिक बीमा कराता है। बोर्ड परीक्षा में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कर्मचारियों के साथ अप्रिय घटना होने पर 50,000 से लेकर 3.5 लाख रुपए का बीमा भी क्षतिपूर्ति की जाती है। इसके तहत हर साल मंडल प्रदेश भर में परीक्षा में तैनात 50,000 शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक कर्मचारियों का सामूहिक बीमा करवाता था, ताकि उन्हें लाभ मिल सके। सामूहिक बीमा पॉलिसी के अंतर्गत परीक्षा में शामिल सभी कर्मचारी इस पॉलिसी के सदस्य होते थे, लेकिन बीमा कंपनी के पहुंचे कुछ मामलों में बीमा ने उनके क्लेम को निरस्त कर दिया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं के लिए राहत भरी खबर, होगी वेतन में वृद्धि, मिलेंगे अन्य लाभ, हड़ताल खत्म। मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के लिए अच्छी खबर है। दरअसल 1.5 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को लाभ मिलेगा। उन्हें हर महीने 15,000 से 18,000 वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा 2018 से काटे जा रहे 1,500 रुपए का भुगतान भी जल्दी ही शुरू किया जाएगा।
तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।